मूवी बहुत ज़्यादा स्लो थी और जो ट्रेलर में दिखाया था वही था, कुछ एक्स्ट्रा इसमें था नहीं, बट जो बच्ची ने काम किया वो बहुत अच्छा है। नहीं बाकी इतना कुछ खास था नहीं, इट वॉज वेरी स्लो एक्चुअली, तो हम वेट कर रहे थे कि कब ख़त्म हो, और एंड में इट्स लाइक आपको लगता है वो गिरेगी या नहीं, तो वो बच्ची बच जाती है, बस यही है, बाकी इसमें कुछ था नहीं। आई डिडंट लाइक इट मच, बट ऐसा एक मैसेज है कि कभी कभी वी डोंट टॉक टू पीपल हु आर वेरी क्लोज टू अस, सो मे बी इन दैट टाइम यू नो कुछ हो सकता है, सो इट्स बेटर यू टॉक एंड सॉर्ट आउट थिंग्स, वो इसमें लाइक एक मैसेज है, बाकी तो कुछ नहीं था। डायरेक्शन वॉज गुड, इट वॉज वेरी स्कैरी इन फैक्ट। 3 अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्टोरी पे काम हुआ है, कुछ लीक से हटकर काम हुआ है अभी, पहले क्या है फिल्म में कुछ रोमांस वगैरह रहता था, अभी कुछ अलग काम हो रहा है तो ये बेटर है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बच्ची का, जिस हिसाब से उसको डायरेक्ट किया गया वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। स्टोरी वाइज कहीं कहीं पर फिल्म बोर करती है कुछ कुछ जगह पर, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें दी हुई हैं इस तरीके की कि ऑडियंस बोर ना हो, तो काफ़ी अच्छी है, एंटरटेनिंग है। लीक से हट के जो काम हुआ है, तो अब जो हमारा सिनेमा थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नाचना गाना उससे आगे निकल के हम स्टोरी पे, जो हमारा भारत जिस तरफ बढ़ रहा है, यानी पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब जिस तरह से एकाकी परिवार होने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कितनी हमारे अंदर नकारात्मकता जिसको हम कहते हैं वो चीज़ आ रही है, हमें आस पड़ोस से मतलब नहीं होता है, इस तरह के कई इंसिडेंट्स हुए हैं, हम अखबार उठा के पढ़ लें तो ऐसी घटनाएँ भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर की जो संवेदनाएँ हैं वो ये पीहू फिल्म में उसको जगाती है कि हम कैसे उसको वापस ला सकते हैं। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया फिल्म को, लेकिन इन्जॉयमेंट के साथ साथ मैं मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही थी जो मुझे कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही थी कि कहीं ऐसा होता है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि सिनेमा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है मैसेज देने का, तो सिर्फ इंटरटेनमेंट तक ही इसको सीमित नहीं रखना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं तो 5 देना चाहूँगी। बहुत ही अच्छी मूवी है, और ये इतने दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद मैंने स्क्रीन पर एक ऐसी मूवी देखी जो कि ट्रेंड से बिल्कुल अलग है, लव स्टोरी और या भी ऐतिहासिक फिल्में चलती हैं, सबसे बिल्कुल अलग है, मतलब एक बच्ची को लीड करके फिल्म बना दी, सबसे बड़ा चैलेंज डायरेक्टर के लिए, उन्हें बधाई देना चाहते हैं इसके लिए, उन्होंने एक चीज़ को अलग तरीके से परोसा इसे। बहुत ही अच्छी, मतलब लगा ही नहीं कि पूरी फिल्म में बच्ची ने कोई एक्ट किया है, एकदम रियल कैरेक्टर, नेचुरल एक्सप्रेशन उसके जा रहे हैं, कहीं से कोई लगा ही नहीं कि एक्ट किया गया है, करवाया गया है, एकदम लाइव है वो पूरा। स्टोरी लाइन तो मतलब स्टोरी क्या कहा जाए, एक सिचुएशन था कि एक बच्ची घर में है, अब बच्ची का पूरा मामला कि एक अकेली बच्ची है, घर में कोई है नहीं, अब वो माँ को जगाती रहती है, चीज़ें करती रहती है, तो पूरा सिचुएशन ही है घर के अंदर, बंद कमरे का पूरा सिचुएशन है एक बच्ची का, कि घर में अब बच्ची छोटी है, क्या करती है, कैसे खाना करना है, बस सिचुएशंस हैं, स्टोरी क्या ही कहा जाए, बस सिचुएशंस हैं। 5 ऐसे और बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए चिलैक्स।